भारत में नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी सेंटर फॉर साइट अत्याधुनिक तकनीक और भरोसेमंद चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लक्ष्मी आई हॉस्पिटल के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। यह साझेदारी सेंटर फॉर साइट की विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें महाराष्ट्र में उसकी उपस्थिति 9 केंद्रों तक बढ़ जाएगी। वर्तमान में सेंटर फॉर साइट 15 राज्यों और 40 शहरों में 82 केंद्रों के माध्यम से हर साल 10 लाख से अधिक मरीजों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें 350 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और लगभग 2700 प्रोफेशनल स्टाफ शामिल है। लक्ष्मी आई हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, पनवेल, खारगर, डोंबिवली और कामोठे में 4 स्थानों पर 25 लाख से अधिक मरीजों को सेवा प्रदान कर चुका है। यह हॉस्पिटल नवीनतम इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक से लैस है, ताकि आंखों की समग्र देखभाल की जा सके। संस्थान ने डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर के दूरदर्शी नेतृत्व में, जिनके पास 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, रोगी देखभाल में नए मापदंड स्थापित किए हैं। इस विरासत को अगली पीढ़ी के नेत्र विशेषज्ञों जैसे कि डॉक्टर तन्वी हल्दीपुरकर, डॉक्टर देवेंद्र वेंकटमणि द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। सेंटर फॉर साइट पश्चिमी भारत में अपनी उपस्थिति को और गहरा करने के लिए क्षेत्र में और अधिक सहयोग के अवसरों की तलाश करेगा, जो हमारे विस्तार की एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। इसके अलावा हम प्रतिवर्ष 15-20 केंद्र जोड़ने की योजना बना रहे हैं, जिसमें अगले वर्षों में 150 केंद्रों तक पहुंचने का लक्ष्य है। हमारे साथ सहयोग करके क्षेत्रीय नेत्र देखभाल अस्पतालों को रणनीतिक चिकित्सा और तकनीकी समर्थन मिलता है, जो हमारे एकीकृत टीम का हिस्सा बनकर विकास और उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। सेंटर फॉर साइट अपने विस्तार योजनाओं का समर्थन करने के लिए अगले कुछ वर्षों में 300 से 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव, चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ने कहा, लक्ष्मी आई हॉस्पिटल और मुंबई के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ हमारा रणनीतिक सहयोग उच्चतम स्तर की नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए हमारे अटूट समर्पण को दर्शाता है। ये सहयोग न केवल क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा में एक व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं। अब किया है, कोलैबोरेशन करी है और उनके 4 सेंटर्स अब सेंटर फॉर साइट के साथ एक ग्रुप के साथ हम काम इकट्ठा करेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई अब लक्ष्मी आई केयर जो है वो अग्रसर और होगा पेशेंट्स को हेल्थ केयर, आई केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और उसमें जो जो और अपडेशन चाहिए सुविधाओं की वो करी जाएंगी और पर्टिकुलर एरिया में ज्योग्राफिकली उसको एक्सपैंड किया जाएगा। तो लक्ष्मी आई के अभी जो मेन ब्रांच है वो पनवेल में है, बाकी कारगर में है, डोंबिवली में है और कमोथे में है। 4 ब्रांचेस हैं अभी उनके, और जहाँ पनवेल में है वो अभी इनका 14-15 हज़ार स्क्वायर फुट है और एक एडिशनल 10 हज़ार स्क्वायर फुट का एरिया ऐड किया जा रहा है, और हर प्रकार की सुविधाएं और हर प्रकार की सुपर स्पेशलाइजेशन जो हैं आई के अंदर भी विभिन्न प्रकार की सुपर स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे कि पर्दे की बीमारियां हुई, काला मोतिया हुआ, कैटरेक्ट हुआ, चश्मे उतारने की विधि हुई, बच्चों के स्क्विंट वगैरह का है, तो वो सारी इनके पास सुविधाएँ अवेलेबल हैं और उसको जैसे भी फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा उसमें सेंटर फॉर साइट इनकी मदद करेगा, ताकि और लोगों के साथ ये सुविधा उनके पास अवेलेबल हो। क्लास पब्लिक के लिए भी है, लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जो कि लो कॉस्ट वगैरह के लिए भी है, तो वी केटर टू ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये जो आई हॉस्पिटल्स जो अलग अलग जगह पे बन रही है ना, वो ऐसा है कि हर जगह पे आई हॉस्पिटल्स रहते हैं, लेकिन जब ऐसी एक बड़ी ग्रुप आती है तो उनके कुछ अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स रहते हैं, और जब ब्राउन फील्ड का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें मेरा हॉस्पिटल लास्ट 40 ईयर से चल रहा है एंड वी आर डूइंग वेल। जब हम ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन होते हैं ना, तभी बहुत सारे हमारे अच्छे क्वालिटीज़ और उनके मैनेजमेंट स्किल्स, वो जब हम साथ में लेते हैं उससे द आई केयर की लेवल बढ़ती है, सिस्टम्स अच्छी हो जाती है और पेशेंट के लिए इट्स ए विन विन सिचुएशन, मीनिंग पेशेंट्स आर बेनिफिटेड। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्या है, वो कोविड के बाद ज़्यादा सब बच्चे लोग हमेशा यू नो स्क्रीन के सामने रहते, इसलिए जो माइनस नंबर जब बच्चे लोग पहनते ना चश्मे, उसका इंसिडेंस बढ़ गया। लेकिन एक सर्टन एज के बाद हर एक को मोतिया हो जाता है, लेकिन आजकल हमने ये देखा है कि मोती होने का इंसिडेंस अभी 50 ईयर्स के बाद ही हो रहा है, और आजकल जो
मैक्सिमम रिसर्च जो हो रहा है आँख में, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ गुड कैटरेक्ट सर्जरी, इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नंबर. यानी आजकल अगर चश्मा हटाना है तो उसके लिए इतने अच्छे सर्विसेज आए, मीनिंग एट एनी एज, अब 20 इयर्स के बाद एनी पेशेंट एट एनी एज अगर उनकी इच्छा हुई कि चश्मा हटाना है तो उसको हटाने के लिए अलग अलग तरह के टेक्निक्स है. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताओ तो आँख में जितने डिसीजेस हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% डिसीजेस अगर वो ट्रीटेबल है तो लक्ष्मी में होते हैं. अगर समझो आपको कैंसर हुआ है और कैंसर के कुछ एडवांस टेक्निक चाहिए तो फिर हमको कैंसर हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है. लेकिन सर्जिकल टेक्निक वाइज रूटीन सर्जरीज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, इनफैक्ट लक्ष्मी इज नोन फॉर एडवांस कॉम्प्लिकेटेड केसेज. यानी पूरे महाराष्ट्र अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी प्रॉब्लम आए, सो द गो टू प्लेस इज लक्ष्मी. बिकॉज लास्ट 44 ईयर से मैं उधर हूँ एंड समहाउ इनफैक्ट जो आजकल कैटरेक्ट निकालने के लिए जो फेको टेक्निक यूज़ की जाती है ना, वो फेको टेक्निक का जो पायनियरिंग वर्क जो किया गया दैट वॉज डन बाई मी. सो इनफैक्ट सी टुडे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए फेको इज अ कॉमन टेक्निक बट वी हैड टू ब्रिंग इट टू कंट्री. सो आई वेंट टू जर्मनी फॉर ट्रेनिंग एंड देन 89 आई वेंट देयर, 91 में इंडिया में उस मैंने शुरू किया, तब से आज फेको हैज बिकम अ कॉमन प्लेस. सी लक्ष्मी इज वन प्रोबेबली द ओनली काइंड ऑफ अ सेंटर जिधर फ्रॉम जीरो रुपीज टू द हाइएस्ट दैट्स पॉसिबल एवरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाती है. मीनिंग ऑन अ डेली बेसिस वहाँ कैसे है मालूम, वी हैव टू हॉस्पिटल, वन इज़ ए प्राइवेट एंड वन इज़ ए चैरिटेबल. चैरिटेबल हॉस्पिटल में यू से आई एम पुअर, वी डोंट आस्क यू एनीथिंग, यू जस्ट शो योर बीपीएल कार्ड एंड यू आर ट्रीटेड. एंड देन उस पेशेंट को ही हैज़ ए चॉइस. अगर उन्होंने बताया मेरे पास सिर्फ 2000 है, ओके, ही से आई गॉट ओनली 8000, डू इट इन 8000. क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी में अलग अलग टेक्निक्स हैं और अलग अलग लेंसेस हैं. अगर वो पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर मुझे अच्छी लेंस चाहिए बट आई कैन नॉट अफोर्ड मच, देन ही स्टार्ट्स एट 25. ही सेज डॉक्टर आई एम डिसेंट इनफ, आई वॉन्ट द बेस्ट लेंस बट आई कैन ओनली अफोर्ड 40,000, देर इज ए पैकेज फॉर 40,000. एंड समवन कम्स एंड सेज डॉक्टर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई वॉन्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन ही गोज टू ऑलमोस्ट 1,00,000 rupees. हर एक को अलग अलग टाइप की लेंस रहती है एंड एवरी लेंस हैज़ अ डिफरेंट फीचर. यानी पेशेंट विल कम एंड टेल मी कि डॉक्टर साहब मुझे चश्मा पहनना ही नहीं है, उस टाइप की आप लेंस डालो, वी हैव ए लेंस फॉर दैट. समवन विल टेल मी डॉक्टर आई डोंट माइंड वेयरिंग ग्लासेस लेकिन वो चश्मा मिनिमम रहना चाहिए, ही हैज़ ए लेंस. डॉक्टर समवन कम्स एंड सेज मेरी पर्सनैलिटी तो चश्मे के साथ है, आई डोंट माइंड वेयरिंग ग्लासेस बट आई वॉन्ट अ गुड लेंस बट आई डोंट माइंड वेयर, देन ही हैज़ अनदर कैटेगरी. सो कैटरेक्ट सर्जरी इज रिवोल्यूशनाइज टूडे बिकॉज ऑफ द टेक्निक. आई एम टेलिंग यू टूडे रोबोट से कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, वी हैव दैट रोबोट. दैट मीन्स कैटरेक्ट सर्जरी ये ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी हुई, यू डोंट नीड अ ब्लेड. इवन बिफोर आई टच द पेशेंट, उस पेशेंट के ऑलमोस्ट 5-6 स्टेप्स जो अदरवाइज हम हाथ से करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर डन बाय द रोबोट इवन बिफोर आई एंटर द आई. एंड देन रोबोट यूज़ करने से कैटरेक्ट सर्जरी का जो प्रिसीजन है ना, इट गोज़ टू अनदर लेवल. सो टुडे यू यूज रोबोट, यू यूज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लेंसेज एंड नेक्स्ट डे द पेशेंट कैन ड्राइव. अगर आज पेशेंट का ऑपरेशन हुआ एंड पेशेंट से डॉक्टर साहब मैं परसों के दिन ऑफिस जा सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सर्जन जिनको मैं ऑपरेट करता हूँ ना, विद इन 2 days दे कैन इवन ऑपरेट. सो टू दैट लेवल द प्रिसीजन हैज कम. सी द बिगेस्ट एडवांटेज टू ऑप्थल्मोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी. ऑप्टिकल इंडस्ट्री ने और दिस साइंटिफिक इनोवेशन, इफ एट ऑल दे हैव हेल्प्ड एनी टेक्निक, इट इज़ ऑप्थल्मोलॉजी. और आपको आश्चर्य होगा, कैटरेक्ट सर्जरी आपको सिंपल लगती है, अगर दुनिया में इफ देर इज़ वन सर्जिकल प्रोसीजर विच हैज़ बीन हाईली यू नो डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड, इट इज़ कैटरेक्ट सर्जरी. मीनिंग इट कैन बी डन वेरी सिंपली एंड इट कैन बी डन इन द मोस्ट एडवांस वे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी. एंड यू समवन वाज़ आस्किंग भाई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कितनी सेफ है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी. यानी लेसिक जो करते हैं ना नंबर हटाने के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकल प्रोसीजर इन द वर्ल्ड. एंड द सक्सेस रेट लाइक यू सेड, इमेजिन करो अगर 0.02% अगर कॉम्प्लिकेशन है, सो इट्स डेफिनेटली अ सेफ प्रोसीजर.
So these two are the biggest thing that has happened to ophthalmology. I can just tell you, I was very fortunate ki imagine kariye 10 years back, 15 years back, jab Panvel was not known at all, Baba Amte came all the way from Narmada, he was on the Narmada, his wife came for surgery, she got operated for both eyes, she just called him, he said, idhar aaje. Baba Amte came himself, got operated, Pula Deshpande, Sadhnate, meaning many so-called super celebrities in different times have come and undergone surgery at Lakshmi. So that's a legacy that we carry. See, Lakshmi Hospital ka the biggest factor is we are the most trusted, honest. See, if a patient, when a patient goes for an eye care and when he, you know, surrenders his eye for treatment, he wants an honest opinion, he wants the most efficient treatment. So to me, if I can offer something, see, I always look at a sense of gratitude. Agar someone wants to get treated by me, that means he's trusting me, trusting his eye into my hands. So the least I can do is be good to him, honest to him. And that is what we try to offer to all our patients. Are you likely to expand? CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।